हेलो गाइस, आई एम समीम अहमद सैफी एंड यू आर वॉचिंग मी एट योर चैनल मैथ ट्रिक चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है 10th क्लास बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और वो भी कम मेहनत में। हमने चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को इस तरह से बनाया है कि आपको 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन याद ना करके एक ही लॉन्ग क्वेश्चन याद करना होगा और आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के जो आंसर हैं, वो भी इसी में आ जाएंगे। जैसे हमने पहला लेसन लिया है लेटर टू बोर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्या। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं कम समय में तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। चैप्टर का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है और इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें और इसको ठीक से समझें। पहला लेसन है हमारा अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र। लेसन हमने लिया है अ लेटर टू गॉड, इसमें एक लेंचू नाम का फार्मर होता है और वो ईश्वर के लिए पत्र लिखता है। उसे इतना विश्वास होता है ईश्वर पे कि मेरी मदद ईश्वर जरूर ही जरूर करेंगे। इसका हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अ लेटर टू गॉड। इसका पॉइंट वन है, दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट हार्ड लाइफ ऑफ पुअर फार्मर लेंचू एंड हिज एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। ये स्टोरी हमें बताती है अबाउट हार्ड लाइफ ऑफ ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान की कठिन जीवन को दिखाती है एंड हिज एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, और उसका जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास है ईश्वर में, उसको ये दिखाती है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि ये कहानी एक गरीब किसान की हार्ड लाइफ, कितनी कठिन लाइफ वो जीता है और उसका एक्सट्रीम फेथ, उसका मजबूत विश्वास ईश्वर में कितना होता है, इसको हमारी ये कहानी दिखाती है। पहली लाइन का मतलब ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है हमारा, लेंचू हैड ए होप ऑफ गुड रेन टू हैड ए गुड क्रॉप। लेंचू को ये उम्मीद थी कि बहुत ही अच्छी बारिश इस बार होगी और उससे उसकी फसल बहुत ही अच्छी होने वाली थी। इट रेन्स बट, बारिश तो हुई, तीसरा पॉइंट है हमारा, इट रेन्स बट द रेन सून चेंजेज इन टू हेल स्टॉर्म। बारिश तो हुई पर बारिश बहुत ही जल्दी, हेल स्टॉर्म माने होते ओले, बारिश तो हुई पर बारिश बहुत ही जल्दी ओलों में बदल गई। फोर्थ पॉइंट है हमारा, लेंचू हैज फिर्म फेथ इन गॉड। लेंचू का विश्वास ईश्वर में बहुत ही फिर्म, मजबूत था। चौथा पॉइंट क्या है, लेंचू का विश्वास ईश्वर में बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। फिफ्थ पॉइंट है, लेंचू राइट्स ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम एंड टू सेंड हिम 100 pieces। लेंचू ईश्वर को के नाम एक पत्र लिखता है, ईश्वर को पत्र लिखता है एंड हेल्प हिम, और उससे मदद के लिए कहता है और कहता है कि वो उसे 100 pieces, 100 sikkes भेजे। 100 pieces का मतलब होता है सिक्के, जो भी वहाँ पे चलते हों। छठा पॉइंट है, पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प इन हिज नोबल डीड। पोस्टमास्टर ने उसके इस नोबल का मतलब होता बहुत ही अच्छा कार्य, आदर्श कार्य में। पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प इन हिज नोबल डीड, पोस्टमास्टर ने इस अच्छे काम को करना चाहा, मदद करनी चाहिए। नोबल डीड्स का मतलब होता है अच्छाई का कार्य, इस अच्छाई के कार्य को करना चाहा। सातवां पॉइंट है हमारा, पोस्टमास्टर कलेक्ट्स 70 pieces, पोस्टमास्टर ने 70 sikkes इकट्ठे किए एंड गिफ्ट्स द एनवेलप टू लेंचू हिमसेल्फ, और उसने उस लिफाफे को, एनवेलप माने होता है लिफाफा, उसने लिफाफे को दिया लेंचू को हिमसेल्फ, खुद ही, और उसने खुद ही लिफाफे को लेंचू को दिया। एट पॉइंट है, लेंचू गेट्स एंग्री, लेंचू नाराज हो गया, गेट्स माने होना, एंग्री माने नाराज, आफ्टर गेटिंग 70 pieces, जब लेंचू ने 70 sikkes देखे तो वो ये देखकर बड़ा ही नाराज हो गया। अब उसे विश्वास था कि जो है कभी भी ईश्वर गलती नहीं कर सकता, उसने अगर 100 paise को कहा था, 100 sikkes के लिए कहा था, तो 100 ही sikkes उसको भेजने थे। अब आगे क्या होता है, एंड राइट्स ए लेटर अगेन टू गॉड, और वो दोबारा से जो है ईश्वर को एक पत्र लिखता है। अब नाइन्थ पॉइंट है हमारा, लेंचू कॉल्स द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस अ बंच ऑफ क्रूक्स। और लेंचू अपने पत्र में क्या लिखता है, लेंचू कॉल्स द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज होते कार्यकर्ता, जो पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ता होते हैं उन्हें लेंचू अपने लेटर में क्या बुलाता है, बंच ऑफ क्रूक्स, गद्दारों का, चोरों का एक ग्रुप, ग्रोह। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है गद्दारों का, डकैतों का एक ग्रोह, उन्हें इस नाम से बुलाता है। लेंचू हैज फिन फेथ इन गॉड, दसवां पॉइंट है। तो लेंचू क्या होता है, इन जितने भी डाकिया होते हैं जिन्होंने उसकी मदद करी है उन्हें कहता है कि ये जो है सब चोर और डकैत हैं,
चोर और डकैतों का एक ग्रुप है, और इस वर्ष को एक दूसरा पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि मुझे इस बार जो पैसा भेजना मुझे डायरेक्ट भेजना क्योंकि ये सब चोर हैं। 10th पॉइंट है, लेंचू हैज़ फिर्म फेथ इन गॉड। लेंचू का इस बार में विश्वास बहुत ही मजबूत था। गॉड नेवर बिट्रेज, उसका ये मानना था कि गॉड नेवर बिट्रेज द ट्रस्ट ऑफ ए बिलीवर। इस बार कभी भी अपने फॉलोवर का, गॉड नेवर बिट्रेज, इस बार कभी भी धोखा नहीं देता है द ट्रस्ट ऑफ ए बिलीवर, अपने मानने वालों के विश्वास का। इस बार अपने मानने वालों के विश्वास को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाता था। लेंचू का ये मानना था कि गॉड कैन नेवर मेक ए मिस्टेक, इस पर कभी भी जो है गलती नहीं कर सकता, और उसने पूरे ही 100 पैसे भेजे थे जबकि उसके जो 30 पैसे थे वो इन पोस्टमास्टर ने और एम्प्लॉयज ने चुरा लिए थे। तो इसलिए इस पर के लिए उसने एक नया पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि मुझे इस बार जो है डायरेक्ट पैसा भेजना क्योंकि ये जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है अ बंच ऑफ क्रुक्स हैं। तो ये कहानी हमें बताती है दृढ़ विश्वास के बारे में कि किस तरह से हमें इस पर पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बुरे दिन के बाद ही अच्छे दिन आते हैं, जैसा कि लेंचू के थे, कहीं ना कहीं से इस बार हमारी मदद करता है। इसी तरह के आंसर्स के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे इस चैनल को। मैं था आपके साथ समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल मैथ ट्रिक चैनल। हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए हमें आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइज, अगर आप 10th बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो मैंने आज ही साइंस की फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की नई वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, मैथ ट्रिक चैनल। उस पर जाइए और देखिए, और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइज, हेयर समीम अहमद सैफी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज वी आर अपलोडिंग द इम्पोर्टेंट आंसर्स ऑफ स्पेशली पोइट्री सेक्शन फॉर स्टैंडर्ड 10th। शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सिक्योरिंग गुड मार्क्स।